जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारतीय रेल दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेन नेटवर्क में से एक है। यहाँ पर रोज हर रोज नए नए स्टेशन और नई नई ट्रेनें बनती जा रही हैं, इसलिए इतनी बड़ी संख्या के लिए इन्हें एक अच्छी अनाउंसमेंट की जरूरत होती है जो हर स्टेशनों पर की जा सके। भारतीय रेलवे में ज्यादातर स्टेशनों पर अनाउंसमेंट स्टेशन मास्टर द्वारा कंप्यूटर से किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो ट्रेनों पर अनाउंसमेंट होती है वो किसकी आवाज़ है, और आप लोगों ने उस वीडियो पर बहुत सारा प्यार भी दिया है और उस वीडियो पर कई लोगों के कमेंट भी आए थे कि अगर ये आवाज़ सरला चौधरी की है तो इसके बीच में जो नई ट्रेनें आती हैं उसका नाम, टाइम और स्टेशन का नाम कैसे आता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके डाउट को पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा। और ये अनाउंसमेंट दो तरह की होती हैं, एक होती है प्री रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट, दूसरा होता है इंस्पॉन्टेनियस अनाउंसमेंट। प्री रिकॉर्डेड आवाज़ वो होती है जो पहले से ही रिकॉर्ड कर रखी हो और बाद में उसका इस्तेमाल किया जाता है, और इस आवाज़ में हर शब्द को दर्ज नहीं किया जाता है। जैसे कि इस आवाज़ में प्लेटफॉर्म, ट्रेन नंबर और टाइम को अलग से रिकॉर्ड किया जाता है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, ट्रेन नंबर डैश विद द डेस्टिनेशन टू डैश स्टार्ट फ्रॉम डैश वेयर डैश स्टेशन, टाइम इज गोइंग टू अराइव फ्रॉम एट प्लेटफॉर्म नंबर डैश। ये जो मैंने आपको अभी बोला ये पहले से ही रिकॉर्ड करके रखते हैं, और जहाँ पर डैश बोला उस जगह पर दूसरी आवाज को रिकॉर्ड किया जाता है, या फिर कंप्यूटर की मदद से टेक्स्ट टू स्पीच से रिकॉर्ड किया जाता है। और जब ये पूरा सेंटेंस बन जाता है, जैसे कि डैश की जगह ट्रेन नंबर को डालना या फिर स्टेशन का नाम डालना या फिर टाइम को, तो इस पूरे सेंटेंस को अनाउंसमेंट कर दिया जाता है स्टेशनों पर। और इसी चीज को हिंदी और दूसरे लैंग्वेज में भी रिकॉर्ड किया जाता है, बस डैश की जगह किसी और की आवाज़ होती है। और जो डैश को छोड़कर मैंने पूरा सेंटेंस बोला है, और ये पूरी आवाज़ सरला चौधरी की होती है, और हमारे देश के ज़्यादातर स्टेशनों पर इसी तरह की अनाउंसमेंट की जाती है, क्योंकि ये बड़े बड़े स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या ज़्यादा होती है और वहाँ पर ट्रेनों की भी संख्या ज़्यादा होती है। अब भी आप में से बहुत से लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा, लेकिन मैं इतनी बार स्टेशन पर गया हूँ, मुझे डैश की जगह दूसरी आवाज़ में कोई फर्क क्यों नहीं लग रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ, आपने शायद कभी ध्यान नहीं दिया होगा, आप जब भी स्टेशन पर जाएं तो आप इस चीज को ध्यान से जरूर सुने, आपको कोई ना कोई फर्क जरूर दिखेगा। और नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपको क्या अलग फर्क दिखा, आप खुद भी इसे एक बार सुन सकते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, 12621 तमिलनाडु एक्सप्रेस नागपुर भोपाल के रास्ते चेन्नई सेंट्रल से आने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 4। और दूसरा है इंस्पॉन्टेनियस अनाउंसमेंट। ये अनाउंसमेंट छोटे स्टेशनों पर ही की जाती है। छोटे स्टेशनों पर आमतौर पर स्टेशन मास्टर ही अनाउंसमेंट करता है ट्रेनों की। और मेरे उस वीडियो पर कई सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि हमारे यहाँ के स्टेशन पर स्टेशन मास्टर ही अनाउंसमेंट करता है, तो वो बिल्कुल सही है। ये अनाउंसमेंट छोटे स्टेशनों पर ही की जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लें, और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं।